हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और शाम का टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेले भी कह सकते हैं आप, और ग्रेवी वाले करेले भी कह सकते हैं। और बिल्कुल थोड़े से ही करेले हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो वैसे तो खैर मैंने पहले भी शेयर किए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आज फिर से दोबारा शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम ना ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो इस टाइप में मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनको मैंने पहले अच्छे से छील लिया था, साफ़ कर लिया था, और उन्हें अंदर से भी साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने इनको रख लिया था बॉयल करने के लिए। तो पानी में मैंने हल्का सा नमक मिला लिया था, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो ये हल्के हल्के आप कह सकते हैं मतलब आधे आधे पके हुए, बिल्कुल पके हुए तो नहीं है, मतलब गलाने नहीं है, आधे आधे से पकाने हैं। तो ये वही मैं चेक कर रही थी और ये आधे पक चुके थे, तो फिर मैंने वो कर लिया था, गैस बंद कर लिया था। और अभी भी ठंडे हो गए तो मैंने इन्हें निकाल लिया है, ठंडा करने के लिए रख लिया है। और दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में बना रही हूँ ग्रेवी के लिए मसाला बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसमें तिल है जो, उसको अच्छा सा मतलब हल्के से तिल को भून लूँगी, बिल्कुल हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़े से मूंगफली है, काजू है, और प्लस अगर आपके पास नारियल है ना तो नारियल को भी कद्दूकस करके बिल्कुल हल्का सा आप रोस्ट कर लें कह सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर मिक्सी में डाल लिया है तेल, और इसमें मैंने हल्के से फ्राई कर लूँगी। और जैसे होता है ना करेले में लोग मसाला भर के और फिर फ्राई करते हैं, लेकिन मैं मसाला भर के फ्राई नहीं करती हूँ, अभी मैं इनको खाली ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और मसाला भरने के बाद पता क्या होता है, मसाला ना जल जाता है। और दूसरी तरफ मैं मतलब अपना दूसरा प्रोसेस भी कर रही थी, दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं जो मुझे मसाले का ग्रेवी है तो वो सब मैं वो कर रही थी, भून रही थी। तो सौंफ भी मैंने हल्की सी भून ली थी, और सौंफ ज़रूर डालिएगा आप करेले में, क्योंकि सौंफ होती है करेले की जान कह सकते हैं आप। तो सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी साइड यहाँ पे ये करेले भी आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से भुन रहे हैं, पक रहे हैं। और ऑयल आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम ऑयल डाला है, बिल्कुल हल्का हल्का मैं आप कह सकते हैं फ्राई कर रही हूँ, कोई डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे, इसमें कच्चापन का कोई नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ तो मैंने इन्हें बॉयल कर लिया और कड़वापन भी नहीं रहेगा। और इधर मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है, दूसरी तरफ मैंने आप अदरक हल्दी और सॉरी अदरक नहीं अदरक और उसका अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे जो भी मैंने मसाले रोस्ट करे थे ना, जो थे तिल और मूंगफली, काजू और सौंफ, सबको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था, हल्का हल्का उनको रोस्ट कर लिया था, उसका मिक्सी में पीस लिया था। और इधर यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई में डाल लिया है प्याज, तो मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और इस टाइप में अगर आप करेले बनाएंगे ना, तो आपके यहाँ बड़े क्या बच्चे भी ज़रूर ज़रूर करेले खाएंगे और पसंद करेंगे, ये मैं आपको डेफिनेट बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चे खाते हैं इस टाइप में बनाने से। और अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो भी आप बनाएं, तो उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये सबको ही पसंद आता है। उसके बाद मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल लिया है, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। और इस प्रोसेस से ना जब मैं करेले बनाती हूँ तो हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छे पसंद आते हैं, बहुत अच्छे। और प्लस इसमें कड़वाहट का तो कोई नाम ही नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है वो आप अभी आगे धीरे धीरे देखेंगे। और करेले भी आपने मेरे देखे होंगे, जो करेले थे वो अच्छे से पक चुके थे, जैसे पहले मैंने उनको उबाल लिया था, उसके बाद मैंने अच्छा सा उन्हें फ्राई कर लिया था, तो अच्छे से पक गए थे। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर इसमें डालूंगी नमक हल्दी और मसाला, जो भी नॉर्मल मसाले हम यूज़ करते हैं, तो हमें प्याज में ही डाल लेना। आप चाहे तो यहाँ पे एक बारीक बारीक टमाटर अगर आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, तो मैंने कब टमाटर कट नहीं किया था। और आप चाहे तो इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इमली का पानी यूज़ नहीं किया था, नींबू यूज़ किया था, तो अभी आप आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो प्याज है इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं आपको बार बार दिखा देती हूँ, करेले भी देखो कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और अगर मैं इसमें मसाला भर लेती ना, तो सारा मसाला है तो बाहर निकल जाता है या जल जाता है। खैर जो बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे मैं ये नहीं कह सकती, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। और जिनके साथ ऐसा होता है तो वो इस ट्रिक से बनाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा लगेगा, बहुत अच्छा आपके करेले कह सकते हैं आप बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर प्याज और प्याज का मसाला जब पक चुका था, तो मैंने जो बनाया था ना तिल का, मूंगफली और आप कह सकते हैं तिल था, मूंगफली थी, काजू था और सौंफ था। आप चाहे तो नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन नारियल मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। और सौंफ ज़रूर ज़रूर डालिएगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ, सौंफ ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेले में, ये तो ऐसे खैर नॉर्मली सबको पता होगा। तो बस यहाँ पे मैं अब इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मसाले के साथ मिला लूँगी। और आपको अभी ये गाढ़ा सा लग रहा होगा, तो इसमें मैं हल्का सा पानी मिला के इसको अच्छे से धीरे धीरे करके थोड़ा इसको पका लूँगी, और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी डालूँगी, क्योंकि बहुत आप देख रहे होंगे बहुत ना गाढ़ा सा हो जा रहा है। और
हमारे यहाँ सब बहुत पसंद करते हैं इस टाइप के करेले, मतलब हमारे यहाँ के मतलब आप कह सकते हैं दीदी लोग सब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप में, और मेरी बेटी भी खा लेती है, तो बच्चों को भी पसंद आ जाते हैं। तो इस टाइप में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल लिया था तो इसकी थिकनेस थोड़ा कम हो गई थी, और यहाँ पर मैंने इसमें उसके बाद डाल लिया है नींबू, अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इमली का पानी डाल सकते हैं। तो मैंने नींबू डाला था, मेरे पास नींबू था तो मैंने नींबू डाला था, वैसे तो खैर इमली भी रखी हुई थी, बस वही था मैं भिगवाना भूल गई थी तो मैंने नींबू यूज़ कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें नींबू भी डाल लिया है, और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी टमाटो केचप। तो टमाटो केचप आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट आप कह सकते हैं दोगुना हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट प्लस कलर दोनों आता है। तो ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा, अगर आपने इस टाइप में कभी करेले नहीं बनाए तो प्लीज़ मेरी वो है कि आप ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें लास्ट में मैंने टमाटो केचप डाल लिया है, और अब मैंने अच्छे से भर लूँगी क्योंकि जो करेले हैं वो भी पक चुके हैं, और जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो बस इनको मैं इसमें अच्छे से भर लूँगी, और इसमें अब कच्चेपन का कोई मतलब ही नहीं होता, और मसाला जलने का या बाहर निकलने का भी कोई चांस नहीं होता। तो इसको आप ग्रेवी वाले करेले भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इनमें ना ग्रेवी भी रहने दूंगी। अभी कैसे रहने दूंगी आप देख सकते हैं, मैंने करेले अच्छे से भर लिए थे, उसके बाद जो ग्रेवी है ना इसको मैं इसमें अच्छे से, जैसे मैंने अंदर से तो करेले भर लिए प्लस बाहर से भी मैं इनमें ग्रेवी अच्छे से लगा लूँगी। और इस टाइप के करेले बहुत ही आप कह सकते हैं लजीज लगते हैं तो मैंने यहाँ पे उर्दू का वर्ड यूज़ किया है, बहुत ही लजीज लगते हैं, और आपके घर में सब लोग बहुत पसंद करेंगे, ये मैं आप लोगों को डेफिनेट बोल सकती हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे अंदर से भी मैंने कोटिंग कर दी, और अभी आप लोग देखिएगा बाहर से भी अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाएगी। तो बस मैं थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं सिर्फ 5 मिनट अच्छे से हीट दूंगी, और इनको अच्छे से जो बाहर से जो ग्रेवी है ना इनके बाहर से भी अच्छे से लगा लूँगी कि नॉर्मल अपने आप ही लग जाएगी। और अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मसाला बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, गिरेगा, कच्चे रहेंगे, इस चीज़ का कोई चांस नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं बिल्कुल सिम गैस में इनको थोड़ी सी हल्का आप कह सकते हैं स्टीम दूंगी, भाप दूंगी, और मेरे करेले बनके हो चुके हैं रेडी। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हुई है, अंदर से भी बाहर से भी बहुत अच्छी कोटिंग हुई है, और ये मैं आपको डेफिनेट कह सकती हूँ कि बहुत टेस्टी होते हैं। तो आपके घर में बच्चे बड़े सब उंगली चाट चाट के करेले खाएंगे, डेफिनेट खाएंगे। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।